गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे, आज हम लोग कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के, जो सिर्फ रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए। तो यहां पे लिखना एडिशनल टॉपिक्स, एडिशनल टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं सीए फाउंडेशन के पर्पज से। तो बच्चे, अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं उतना हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वही चीज हम लोगों ने रिपीट करी थी। अब हमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने हैं जो सीए फाउंडेशन के पर्पज से रेलेवेंट है। कुछ मेरे को आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने हैं जो सीए फाउंडेशन के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो सीए फाउंडेशन के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक का नाम लिख लेना यहाँ पे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। तो बच्चे, ये जो टॉपिक है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे ये टॉपिक हम लोग क्लास ट्वेल्थ में नहीं पढ़ते। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर डेथ का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या फिर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी उस क्वेश्चन में इंक्लूडेड होती है जनरली। तो चलो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी क्या होती है। ठीक है जी, तो अब समझने की कोशिश करना, मेरे फर्म में तीन पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी मेरे तीन पार्टनर्स हैं फर्म में, और बच्चे फर्म बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है। ठीक है जी, ए बी और सी मेरे तीन पार्टनर्स हैं, फर्म बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही है, बढ़िया टर्नओवर कर रही है फर्म और अच्छा खासा प्रॉफिट फर्म कमा रही है। बट बच्चे एक दिन क्या हुआ, सी की डेथ हो गई। एक दिन अचानक से क्या हुआ, सी की डेथ हो गई। तो भाई सी की डेथ हुई जब, तो भाई सी के लीगल हायर्स आए फर्म में और कहने लगे कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, सी की डेथ हो गई है, तो भाई हमें अपना गुजारा करना है, तो सी का जो भी अमाउंट फर्म से बन रहा है वो आप हमें क्या करिए, पेमेंट कर दीजिए। अब भाई ए और बी अपना बिजनेस रन कर रहे होंगे, तो ए और बी को अब क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा सी के लीगल हायर्स को। अब अच्छे समझने की कोशिश करना, फर्म का जो नॉर्मल ऑपरेशन था वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब समझ लो कि भाई सी का जो ड्यूस निकल रहे हैं, मान लेते हैं कि भाई ये 10 लाख रुपए के निकल रहे हैं। अब 10 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, तो भाई फर्म का जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फर्म से एक बड़े अमाउंट का आउटफ्लो होगा। तो ए और बी के लिए क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी कि भाई फर्म के ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करें अगर हम लोग सी के लीगल हायर्स को पेमेंट कर देते हैं। तो बच्चे इससे क्या होता है, जो बिजनेस की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो हैम्पर हो जाती है, क्योंकि भाई फर्म के पास हो सकता है इतना पैसा ही ना हो कि हम लोग लीगल हेड्स को पे कर सकें। तो भाई लीगल हेड्स तो पैसा मांगेंगे आके, क्योंकि भाई उनको भी तो अपना गुजारा करना है। तो लीगल हेड्स फर्म में पैसा मांगने आते हैं, तो भाई ए और बी कहते हैं कि भाई पैसा अगर हम लोग आपको पूरा दे देंगे तो हम लोग फर्म को कैसे चलाएंगे। तो ए और बी क्या करते हैं, कुछ टाइम मांगते हैं कि भाई थोड़ा टाइम दे दो, हम लोग उस टाइम के बाद पेमेंट करेंगे। ये सब बातें हम लोगों ने देखी थी अभी जब हम लोगों ने डेथ के बारे में पढ़ा था। बट बच्चे अगर आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ पे जाके समझो, अगर सी मेरे वर्किंग पार्टनर होंगे, सी मेरे वर्किंग पार्टनर होंगे, तो भाई फर्म का तो जो ऑपरेशन है वो तो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करो, एक मैं नॉर्मल फैमिली की बात करता हूं, ठीक है जी। अगर मैं एक नॉर्मल फैमिली की बात करता हूं, तो चलो मैं अपनी बात करता हूं, ये मैं हूं, ठीक है जी, ये मैं हूं। बच्चे मेरा आराम से बढ़िया से जीवन चल रहा था, बट भगवान ने ना करा तो मेरी क्या हुई, गलती थे, डेथ हो गई, ठीक है जी, मेरी डेथ हो गई। तो भाई जो मेरे पीछे मेरे लीगल हायर्स होंगे, जो मेरी फैमिली होगी, जो मेरे डिपेंडेंट्स होंगे, तो भाई उनका जीवन आराम से चलता रहे, उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा, उनके सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए होंगे। भाई डेथ हो जाएगी तो भाई मैं अर्निंग मेंबर हूं फैमिली का, अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो भाई मेरे फैमिली का गुजारा कैसे होगा। तो ये सब चीजें मेरे को सोचनी पड़ती है, ये सब चीजें मेरे को प्लान आउट करनी पड़ती है कि
कि भाई डेथ का तो हमें पता ही नहीं होता है कि डेथ कब आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो बच्चे लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम लोग हर साल थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, हर साल हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रीमियम पे करते हैं। और बच्चे जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब मैच्योरिटी आ जाती है, तो भाई हमें क्या होता है कि भाई मैंने अगर प्रीमियम पे करना शुरू करा 21 की एज से, ठीक है, 21 ईयर्स का था, 21 ईयर्स का मैं था, और 21 ईयर्स की एज में मैंने क्या करा, प्रीमियम पे करना शुरू शुरू करा। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो मेरे को ये बोलती है कि भाई आपको 60 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना है। अगर 60 ईयर्स के पहले आपकी डेथ हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये इंश्योरेंस कंपनी है वो मेरे लीगल हायर्स को, मेरे डिपेंडेंट्स को पेमेंट करेगी। तो जो भी ये पेमेंट करेगी, अगर मेरी डेथ जो है वो 60 ईयर्स के पहले हो जाती है, भाई मेरे को 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक मेरे को प्रीमियम पे करना है। बट अगर मेरी डेथ जो है वो बच्चे मान लेते हैं 44 ईयर्स में हो जाती है, अगर 44 इयर्स में मेरी डेथ हो जाती है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मेरे लीगल हेयर्स को पेमेंट करेगी। तो जो भी पेमेंट बन रहा होगा, मान लेते हैं कि भाई हम लोग हर साल 5,000 रुपए का प्रीमियम पे करते हैं और मेरा सम एश्योर्ड है 1 करोड़ रुपए का, मेरा सम एश्योर्ड कितना है, 1 करोड़ रुपीज का है, कि भाई इन द इवेंट ऑफ डेथ मेरे फैमिली को, मेरे लीगल हेयर्स को क्या मिलेगा, 1 करोड़ रुपए मिलेगा, जिससे कि वो लोग अपना सर्वाइवल कर सके। तो भाई 44 इयर्स की एज में अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे फैमिली मेंबर्स को क्या मिलेगा, 1 करोड़ रुपीस मिलेगा। तो इस 1 करोड़ रुपीस को हम लोग क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड, या फिर हम लोग इसका एक और नाम दे सकते हैं क्या, मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड या फिर मैच्योरिटी वैल्यू। तो बच्चे ऐसा हुआ कि भाई मैं 60 इयर्स तक जिंदा रह गया, ठीक है जी, मेरे को 60 इयर्स तक प्रीमियम पे करना था। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोलती है कि भाई 60 साल तक अगर आप लोग प्रीमियम पे करते हैं और अगर आप लोग जिंदा बच गए, तो भाई 60 साल की उम्र में हम आपको 1 करोड़ रुपए का पेमेंट कर देंगे। भाई मैं हर साल अगर प्रीमियम पे कर रहा हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न बैक भी तो मिलना चाहिए। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं 60 इयर्स की एज में मैं खुद ही 1 करोड़ रुपए रिसीव करूंगा, और अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे डिपेंडेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए रिसीव करेंगे। तो भाई जो ये 1 करोड़ रुपए रिसीव कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड या फिर मैच्योरिटी वैल्यू। तो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बच्चे ऐसे चलता है, ठीक है जी। आप समझने की कोशिश करो, हर साल हम लोग क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपए जमा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, हर साल 5,000 रुपए दे रहे हैं, तो भाई LIC के पास मेरे पैसे इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। तो कभी मेरे को हो सकता है कि भाई पैसे की जरूरत पड़ी, मान लेते हैं कि भाई अभी मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूं, मैं अभी अर्न करता हूं, मान लेते हैं कि भाई मैं ईयर में 3 लाख रुपीज अर्न करता हूं, तो मैं 5,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूं। बट बच्चे अगर सोचो मेरी 30 ईयर्स के बाद इनकम अर्न होना बंद हो गई, मैं भाई कमाई नहीं पा रहा हूं, तो मैं प्रीमियम कहां से पे करूंगा। तो मैंने क्या करा, प्रीमियम पे करना बंद कर दिया, और मैंने क्या सोचा कि भाई अगर मैं प्रीमियम पे नहीं कर रहा हूं तो मेरे को अपनी LIC की पॉलिसी बंद करानी पड़ेगी। अब बच्चे मैंने इतना पैसा, मान लेते हैं कि 21 ईयर्स की एज से लेकर 30 ईयर्स की एज तक, मतलब 9 साल में मैंने 5,000 रुपए के अकॉर्डिंग 45,000 रुपए दे दिए, तो ये मेरा वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा कि भाई LIC में, अगर आप लोग LIC की पॉलिसी देखोगे तो उसमें एक लिखा होता है सरेंडर वैल्यू, उसमें सरेंडर वैल्यू लिखी होती है LIC की पॉलिसी में, कि भाई अगर आप आज के दिन अपनी LIC की पॉलिसी सरेंडर कर देते हो तो हम आपको कुछ अमाउंट पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30 ईयर्स का हूं तो सरेंडर वैल्यू दे रखी हुई है 40,000 रुपीज। तो अगर हम लोग LIC की पॉलिसी 30 ईयर्स की एज में सरेंडर करते हैं तो हमें 40,000 रुपीज रिसीव हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर मतलब मैंने अपनी पॉलिसी क्या कर दी, फॉरगो कर दी, मैंने पॉलिसी अपनी सरेंडर कर दी और मेरे को कुछ पैसा रिसीव हुआ। तो अगर आप लोग अपने घर पे देखिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के, तो सब लोगों ने LIC जरूर से करा रखी होगी। तो एक बार उस पॉलिसी को गो थ्रू करिएगा तो उसमें देखेंगे आप लोग कि भाई सरेंडर वैल्यू दे रखी है। अगर हम लोग आज के दिन अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी, वो क्या होती है, मेरी सरेंडर वैल्यू होती है। और बच्चे इन द इवेंट ऑफ डेथ,
जो मेरे को पैसा मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। तो भाई सम एश्योर्ड हमेशा ज्यादा होगा और सरेंडर वैल्यू बहुत कम होती है। तो 1 करोड़ रुपए मेरा सम एश्योर्ड या मैच्योरिटी वैल्यू हो गया, तो भाई मेरे को जो पैसा मिलेगा या तो मेरी डेथ पे मिल जाएगा अगर मैं 60 ईयर्स से पहले मर जाता हूँ, अगर मेरी डेथ जो है वो 60 ईयर्स के पहले हो जाती है तो मेरे को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, या फिर मैं अगर 60 ईयर्स की एज अटेन कर लेता हूँ तो मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सम एश्योर्ड हो गया। तो बच्चे हमेशा अपने पोर्टफोलियो का पार्ट एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर बनाना कि बाय चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके पास एक LIC की पॉलिसी है, जिससे कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, वो अपना जो सर्वाइवल है वो आराम से कर सके। तो LIC आप लोग जरूर से एक परचेज करके रखिएगा, ठीक है जी। तो अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और मतलब मेरे फैमिली मेंबर को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, वो और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जो है वो चला सकेंगे, अपना सर्वाइवल कर सकेंगे। तो सिमिलरली बच्चे मेरे जो पार्टनरशिप फर्म है, समझने की कोशिश करना, अगर जो मेरा मेन पार्टनर है उसकी डेथ हो जाएगी, तो भाई पार्टनरशिप फर्म मेरी कैसे चलेगी। मेन पार्टनर की अगर डेथ होती है तो भाई उसके लीगल हेड्स तो पैसा मांगने आ जाएंगे, और जो मेरे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं फिर उनके पास कुछ पैसा ही नहीं बचेगा, तो वो पार्टनरशिप फर्म को कैसे रन करेंगे। तो बच्चे इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने पार्टनर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी करा देते, कि बाय चांस अगर किसी की डेथ होती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी से उसका पेमेंट कर देंगे। तो भाई जैसे कि मेरे 3 पार्टनर्स हैं A, B and C, तो हम लोगों ने एक कॉमन पॉलिसी कराई A, B and C के नाम की, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो हम लोगों ने A, B and C की एक कंबाइन पॉलिसी कराई, A, B and C की एक कंबाइन पॉलिसी कराई, कंबाइन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, कंबाइन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई। उसको हमने क्या बोल दिया, ये मेरी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम है, प्रीमियम कौन पे करेगा बच्चे, प्रीमियम जो है वो मेरी फर्म पे करेगी। प्रीमियम कौन पे करेगा, मेरी पार्टनरशिप फर्म पे करेगी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स। तो हम लोगों ने क्या करा, अपने पार्टनर्स के नाम पे एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करा दी कि अगर मेरे तीनों में से किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो जो हमारी फर्म है उसको क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हर साल हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज का, और सम अश्योर्ड है, सम एश्योर्ड है कितना, 1 करोड़ रुपीज अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है वो मेरे फर्म को 1 करोड़ रुपीज का पेमेंट करेगी, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्या करेगी, 1 करोड़ रुपीज का पेमेंट करेगी। तो जनरली जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम होता है वो बच्चे नॉर्मल पॉलिसी से थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर बाय चांस ए की अगर डेथ होती है तब भी मेरे को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, बी की डेथ होती है तब भी 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और सी की डेथ होती है तब भी 1 करोड़ रुपए मेरे को मिलेगा। तो जो 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो उसमें से हम लोग पेमेंट कर सकेंगे सी के लीगल हेड्स को अगर सी की डेथ होती है। तो इसलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करा लेते हैं कि बाय चांस किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो भाई हमारे जो पार्टनरशिप फर्म के नॉर्मल ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि भाई लीगल हेड्स तो पैसा मांगने चले आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं से तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कराते हैं कि भाई किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसकी फैमिली का कैसे गुजारा होगा, उसके लिए हम लोग एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कराते हैं जिसका प्रीमियम कौन पे करता है, पार्टनरशिप फर्म ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे करती है, ठीक है जी। तो ये तो हो गई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अगर बच्चे मैं A, B and C जो मेरे 3 पार्टनर्स हैं इनकी मैं एक अलग अलग पॉलिसी करवा दूं, मतलब ए की पॉलिसी मैं एक अलग करवा दूं, बी की पॉलिसी मैं एक अलग करवा दूं, और सी की पॉलिसी अगर मैं एक अलग से करवा दूं, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूं, इनको मैं बोल सकता हूं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। अगर मैं अपने पार्टनर्स की जो पॉलिसी है वो इंडिविजुअली कराता हूं, मतलब ए की पॉलिसी मैंने अलग कराई, बी की पॉलिसी मैंने अलग कराई, सी की पॉलिसी मैंने एक अलग से ले ली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। तो बच्चे इसका भी जो प्रीमियम होता है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो भी बच्चे फर्म पे करती है। फर्म जो है वो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी के केस में भी प्रीमियम पे करती है अपने पार्टनर्स का। तो मान लो किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे कि ए की अगर डेथ हो गई
तो ए की पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड होगा वो क्या होगा, फर्म को रिसीव होगा। तो फर्म क्या कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है, फर्म को क्या मिलेगा, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का सम एश्योर्ड मिलेगा। तो अगर बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा और टॉपिक आके लेकर चलूं। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग इसलिए लेते हैं कि भाई अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म में कभी भी दिक्कत आए, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो भाई पार्टनरशिप फर्म के नॉर्मल ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि भाई लीगल हायर्स पैसा मांगने आएंगे तो लीगल हायर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग लीगल हायर्स को पेमेंट कर देंगे तो भाई फर्म की नॉर्मल ऑपरेशंस कैसे चलाएंगे। इसीलिए हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेरी क्या होती है, कंबाइंड पॉलिसी होती है मेरे सारे पार्टनर्स की। या फिर हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं। तो भाई इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी हो या फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो, प्रीमियम कौन पे करेगा बच्चे, पार्टनरशिप फर्म उसका प्रीमियम पे करेगी। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म को क्या होगा, सम अश्योर रिसीव होगा। अगर हम लोग अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या फिर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दें तो भाई मेरे को क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, ये सब हमको पता है। तो चलो थोड़ा सा और टॉपिक आगे लेकर चलते हैं। अब हमें समझना है कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का कैसे हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है जी। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे अब क्या करना कि अपने नोटबुक के दोनों पेजेस ओपन कर लेना, मतलब बोथ साइड ओपन कर लेना। हम लोग एक चार्ट बनाने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में आएंगे। तो मेरे साथ यहां पर लिखना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो मेरे को दोनों पेजेस की जरूरत रहेगी। हम लोग एक बड़ा सा चार्ट बनाने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पूरा कवर करेंगे। तो मेरे को दोनों पेजेस की जरूरत रहेगी। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो बच्चे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेरी वो पॉलिसी होती है जो हम लोग सारे पार्टनर्स की लेते हैं कंबाइंड। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो बच्चे फर्म पे करती है, ठीक है जी। तो फर्म अगर प्रीमियम पे कर रही है तो बच्चे मेरे को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की केस में, मतलब दो सिचुएशंस में हमें अकाउंटिंग करनी होगी। एक तो हो जाएगा बच्चे इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या होगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट। और बच्चे सेकेंड सिचुएशन मेरी क्या अराइज होगी कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या होगा इन केस ऑफ डेथ। तो ये हमें दोनों ही सिचुएशंस में सीखना है कि भाई अगर मेरा पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, और अगर मेरे पार्टनर की डेथ हो जाती है तब हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो रिटायरमेंट बच्चे मैं लेफ्ट वाले पेज में पूरा बताऊंगा और डेथ में पूरा राइट वाले पेज में बताऊंगा। तो अच्छे से चार्ट बनाइएगा ये और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है जी। अब समझने की कोशिश करना भाई, रिटायरमेंट के केस में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिर हम लोग डेथ के केस में आएंगे। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चे, मेरा जो पार्टनर है वो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसकी डेथ नहीं हुई, वो अभी जिंदा है। तो रिटायरमेंट बहुत सी वजह से हो सकता है कि भाई एक तो ओल्ड एज फैक्टर होता है, इल हेल्थ हो जाता है, या फिर हमारे पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट अराइज हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है, भाई कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से। अब समझने की कोशिश करना, मेरे तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहा है, सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं, और फर्म में एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी चल रही है तीनों पार्टनर्स की। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेरे तीन पार्टनर्स की चल रही है फर्म में। तीन पार्टनर्स कौन है, ए बी एंड सी, और सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो इन लोगों ने करा रखी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो इन लोगों ने करा रखी है उसकी बच्ची, उसका बच्चे सम अश्योर्ड कितना है, सम अश्योर्ड हम लोग लिख लेते हैं, उसका सम अश्योर्ड है मान लेते हैं 10 लाख रुपीस। सरेंडर वैल्यू है ₹1 लाख, ठीक। ये सिचुएशन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई मेरी जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसका सम अश्योर्ड कितना है 10 लाख रुपीस, और सरेंडर वैल्यू कितनी 1 लाख रुपीस।
अब मेरे को समझने की कोशिश करना है इस सिचुएशन में कि हम लोग रिटायरमेंट के केस में कैसे क्या अकाउंटिंग करेंगे। तो बच्चे रिटायरमेंट के केस में तीन सिचुएशन अराइज होती हैं। तो रिटायरमेंट के केस में तीन सिचुएशन अराइज होती हैं, हमें तीनों ही सिचुएशंस को समझना है कि भाई तीन लोग जो थे मेरे वो अलग अलग बोलते थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीनों लोग अपना अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते। तो पहला हम लोग यहां पे लिखते हैं क्या, व्हेन व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, या फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डज नॉट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डज नॉट अपियर इन बैलेंस शीट। तो बच्चे मेरा एक बंदा था, वो क्या बोलता था कि भाई जो हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, जो हमारी फर्म है वो प्रीमियम पे कर रही है अपने पार्टनर्स का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, क्योंकि पार्टनर जो है वो फर्म के लिए क्या है, एक तरीके से एसेट है। पार्टनर फर्म के लिए क्या है, एक तरीके से एसेट है, और फर्म जो है वो पार्टनर के लिए क्या कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है। तो प्रीमियम पे कर रही है फर्म, तो फर्म का ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो जब अगर हम लोग प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम की हम लोग क्या अकाउंटिंग करेंगे, सबसे पहले ये मेरे को लिखना है। तो अगर हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं फर्म की तरफ से, मतलब फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स के बिहाफ पे प्रीमियम पे कर रही है, तो मैं यहां पे क्या एंट्री करूंगा, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बच्चे हमारा एक्सपेंस है तो हम लोगों को एक्सपेंसेस को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मेरा नॉमिनल अकाउंट भी क्या बोलता है कि भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर मेरा प्रीमियम एक्सपेंस है तो मैं ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और बच्चे मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, प्रीमियम का पेमेंट पे करा, तो ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो प्रीमियम मेरा खर्च है तो मैंने इसका पेमेंट करा। और बच्चे हम लोग ईयर एंड में इसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि मेरे को ईयर एंड में अपने नॉमिनल अकाउंट्स को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, अपने एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, टू ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो ये तो बच्चे एंट्री हो गई प्रीमियम पे करने की और प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। अब समझने की कोशिश करना, मेरा जो पार्टनर सी है वो फर्म से रिटायर हो रहा है, मेरा जो पार्टनर सी है वो फर्म से रिटायर हो रहा है। तो अगर सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं तो फर्म को यहां पे क्या करना पड़ेगा, बच्चे फर्म को अपनी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। भाई सम अश्योर तो तब अराइज होगा ना अगर ए बी या सी में किसी की डेथ होगी, तभी तो हमें क्या मिलेगा, तभी तो हमें सम अश्योर मिलेगा। बट यहां पे सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं, तो भाई सी अगर फर्म से रिटायर हो रहे हैं तो भाई सी का इस पॉलिसी पे भी तो हक होगा, सी का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पे भी तो हक होगा। तो सी को क्या मिलना चाहिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का भी शेयर मिलना चाहिए। तो सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं, तो अगर फर्म से सी रिटायर होंगे तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी कितनी, 1,00,000 रुपीस। तो बच्चे हमेशा याद कर रखना, रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट के केस में हम लोग हमेशा सरेंडर वैल्यू को कंसिडर करते हैं, हमेशा रिटायरमेंट के केस में हम लोग सरेंडर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि बच्चे पार्टनर की जब डेथ ही नहीं हो रही तो सम अश्योर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं अराइज होगा। सम अश्योर्ड तो तब हमें मिलेगा ना जब पार्टनर की डेथ होगी, बट पार्टनर की डेथ थोड़ी ना हो रही, पार्टनर का क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। तो अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे। तो अगर हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो भाई मेरे को क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलेगी। सरेंडर वैल्यू मेरे को किससे मिलेगी, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, या फिर मैं बोल सकता हूं टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट।
तो मेरे को यहां पे क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलेगी अगर मेरा पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से। बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, तो मेरे को क्या मिला, सरेंडर वैल्यू अपने इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की, तो मेरे को यहां पे सरेंडर वैल्यू रिसीव हो गई होगी। अब मेरे को क्या करना होगा, सरेंडर वैल्यू अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। तो भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में मेरे तीनों ही पार्टनर्स का हक है, जो प्रीमियम जा रहा है वो बचे फर्म से जा रहा है, तो फर्म को पैसा मिला। अब फर्म जो क्या करेगी, यहां पे फर्म अपने पार्टनर्स के बीच में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हम लोग यहां पे डेबिट कर देंगे, और हम लोग क्रेडिट किसको कर देंगे बच्चे, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो मेरे पार्टनर्स कौन कौन से हैं, मेरे पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तो इनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग क्या करेंगे, इनको क्रेडिट कर देंगे। तो अगर हम लोग प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, अगर बच्चे हम लोग एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो ये हमारा बैलेंस शीट में तो अपेयर होगा नहीं। बैलेंस शीट में तो हमारे एसेट अपेयर होते हैं, बट अगर हमारा एक्सपेंस है प्रीमियम तो हमारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये तो बच्चे हो गई प्रीमियम पे करने की एंट्री। फिर हमें ईयर एंड पे प्रीमियम क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब अगर मेरा कोई पार्टनर जो है वो फर्म छोड़ के जा रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है, तो फर्म को क्या रिसीव होगी, सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी। सम अश्योर्ड बच्चे तभी रिसीव होगा जब पार्टनर की डेथ होगी, सम अश्योर्ड मेरे को तभी रिसीव होगा जब पार्टनर की डेथ होगी, या फिर हमारे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर क्वेश्चन में मेरे को दे नहीं रखा है कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा, और जो भी सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी वो मेरे को अपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में मेरे सारे ही पार्टनर्स का हक होता है। तो हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। तो अब मेरे को थोड़ा सा और आपको बताना है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना, आप समझने की यहां पे कोशिश करना प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। देखो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे कंप्लीट हो गया मेरा, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे हम लोग पॉलिसी को सरेंडर नहीं करता। मैं आपको अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात बताऊं तो हम लोग पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं। तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों। तो बच्चे आप समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे मेरे तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं, ए और बी अब क्या करेंगे, बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। ए और बी मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हो जाएंगे, ये अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। तो भाई अगर बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे तो ए और बी क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ज्वाइंट पॉलिसी ले लेंगे। ए और बी फिर से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेंगे। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, यहां पे एक पॉलिसी को सरेंडर करेंगे फिर दूसरी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ये लोग लेंगे। तो बच्चे अगर आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी सुना होगा, तो जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्रीज होता चला जाता है। अगर मैं 18 ईयर्स की एज में अगर मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं तो मेरा प्रीमियम हो सकता है 2000 रुपए का हो। अगर मैं सेम पॉलिसी 31 ईयर्स की एज में लूंगा तो मेरा प्रीमियम हो सकता है 6-7000 रुपीज पर ईयर का हो। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती है वैसे वैसे मेरा प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्रीज होता चला जाता है। अब समझने की कोशिश करना, एक पुरानी जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी चल के आ रही होगी तो वो बच्चे पार्टनर्स की तो है, कंबाइंड पार्टनर्स की तो है। तो अगर मैंने ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आज से मान लेते हैं 10 साल पहले कराई होगी, तो अगर मैं इसको सरेंडर कर रहा हूं और एक और नई पॉलिसी ले रहा हूं, तो भाई जो मेरी नई पॉलिसी होगा भाई उसका प्रीमियम का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग इस पॉलिसी को सरेंडर ही क्यों करेंगे। तो ए और बी यहां पे क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई सरेंडर वैल्यू हम लोग इनकी देखेंगे कि भाई अगर हम लोग आज के दिन पे अगर अपनी पॉलिसी सरेंडर करते तो मेरे को कितना मिलता, 1 लाख रुपए मिलता। अगर हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करते सी के रिटायरमेंट में तो मेरे को कितना मिलता, 1 लाख रुपए मिलता। तो भाई सी है जो फर्म छोड़ के जा रहे हैं तो हम लोग क्यों ना सी का पेमेंट कर दें। भाई हम लोग यहां पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करेंगे फिर एक नई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेंगे ए और बी के नाम की। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है वो हम लोग चलने देते हैं, और जो भी सरेंडर वैल्यू निकल के आ रही है 1 लाख रुपीज की
तो 1 लाख रुपीज की जो सरेंडर वैल्यू है इसमें जितना भी सी का शेयर होगा वो हम लोग क्या कर देंगे, पे कर देंगे ए और बी को, ऐसा सोचना पड़ेगा जो रियल लाइफ में होता है। तो 1 लाख रुपए कि भाई सरेंडर वैल्यू, और मान लेते हैं सी का जो शेयर है वो 1/4 का है, तो सी का कितना निकल के आएगा भाई, 25,000 रुपीज का शेयर निकल के आएगा। 1 लाख का 1/4 अगर हम लोग निकालते हैं तो सी का शेयर कितना निकल के आएगा सरेंडर वैल्यू में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में, 25,000 रुपीज का। तो ए और बी क्या करेंगे, यहाँ पे सी को पेमेंट कर देंगे 25,000 रुपीज का थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनर्स क्या करते हैं अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर नहीं करते, वो क्या करते हैं आउटगोइंग पार्टनर को भाई उनका जो भी शेयर बनेगा, आउटगोइंग पार्टनर का जो भी सरेंडर वैल्यू में शेयर बनेगा वो क्या करेंगे, पे कर देंगे और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, बट अगर आप लोग बुक के क्वेश्चंस में जाओगे तो बुक के क्वेश्चंस में ये देखोगे कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दी गई और जो पार्टनर्स का शेयर था वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बट एक्चुअली में क्या होता है हम लोग आउटगोइंग पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं जो भी उनका सरेंडर वैल्यू का शेयर बन के निकलेगा। तो ये तो बच्चे मेरा पहला मेथड हो गया, मैंने प्रीमियम स्टेटेड एज एन एक्सपेंस। अब मैं अपने चलता हूं सेकंड मेथड में, तो मेरे साथ यहां पे लिखना आप लोग, सेकंड मेथड व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट, When premium is treated as an asset, ब्रैकेट में लिख लेना JLP is shown in balance sheet. Joint life policy is shown in balance sheet. तो बच्चे यहां पर जो मेरा पहला बंदा था वो ये बोलता था कि भाई हमें premium को as an expense treat करना था, but मेरा एक और बंदा आया और इसकी सोच थोड़ी सी अलग थी। ये क्या बोलने लगा कि भाई अगर हम लोग हर साल प्रीमियम पे करते हैं, हर साल हम लोग 5,000-10,000 रुपए जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास अक्यूमुलेट हो रहा है। और जो हमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो मेरे को क्या दे रही है, एक पॉलिसी दे रही है, तो उसमें क्या लिख के आता है सरेंडर वैल्यू। तो अगर हम लोग प्रीमियम जो डिपॉजिट कर रहे हैं तो बच्चे हमें क्या मिल रही है, एक सरेंडर वैल्यू मिल रही है। तो जब भी आप लोग प्रीमियम डिपॉजिट करना शुरू कर दोगे तो उसमें सरेंडर वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, और जनरली जो सरेंडर वैल्यू होती है बच्चे वो प्रीमियम के अमाउंट के बराबर होती है नॉर्मल केसेस में। तो जैसे कि मैंने प्रीमियम मान लेते हैं 5 साल में 50,000 रुपए भरा है, तो सरेंडर वैल्यू कितनी होगी, 50,000 रुपए होगी नॉर्मल केसेस में, ठीक है जी। कभी कभी सरेंडर वैल्यू कम भी होती है, तो अगर 50,000 रुपए की सरेंडर वैल्यू है तो यहां पे ये बंदा क्या बोलता है कि भाई मेरे पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रखी हुई है, मेरे लॉकर में रखी है, मैं जब चाहूं तब जाके इसको सरेंडर कर दूं। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई जब पार्टनर रिटायर हो तभी हम लोग सरेंडर करें, भाई जब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं क्या करूंगा, इस पॉलिसी को सरेंडर करूंगा और मेरे को सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। कोई मेरे को इवेंट का थोड़ी ना वेट करना है कि भाई जब पार्टनर रिटायर होगा तभी हम लोग सरेंडर करेंगे, हम लोग जब चाहें तब इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और मेरे को सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बंदा क्या बोलता है कि भाई अगर मेरे को जब चाहे तब वैल्यू मिल जाएगी, तो 50,000 रुपए अगर सरेंडर वैल्यू है और मेरे को जब चाहे तब मिल जाएगी, तो भाई ये मेरा एक तरीके से एसेट नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग बैंक में एफडी कराते हैं, एफडी तोड़ाते तो भाई मेरे को तुरंत पैसा मिल जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर हम लोग पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो तुरंत ही तो मेरे को ये 50,000 रुपए रिसीव हो जाएंगे। तो अगर हम लोग एफडी को एज एन एसेट दिखा सकते हैं, अपने फिक्स डिपॉजिट को एज एन एसेट दिखा सकते हैं, तो अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एसेट दिखाएंगे तो क्या गलत बात है। तो ये बंदा भी भाई अपनी बात सही बोल रहा है कि अगर मेरे को तुरंत ही सरेंडर वैल्यू रिसीव हो जाएगी, जब चाहे तब मैं सरेंडर करूं अपने पॉलिसी को, मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव हो जाएगी, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। मेरे को जब चाहिए तब जाके मैं, जब मेरे को पैसे की जरूरत होगी मैं सरेंडर कर दूंगा और मेरे को पैसा मिल जाएगा। भाई मैं अपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एट सरेंडर वैल्यू अपने एसेट पे दिखा सकता हूं, बैलेंस शीट के अंदर अपने एसेट साइड में दिखा सकता हूं। तो इस बंदे की बात को भी रिकॉग्नाइज करा गया कि भाई ये बंदा भी सही बोल रहा है कि हमें जब चाहे तब पैसा मिल जाएगा, हम जब चाहे तब अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। भाई डेथ जब होगी तब मेरे को सम एश्योर्ड मिलेगा, तो हम लोग सम एश्योर्ड के बेसिस पे थोड़ी ना चल सकते। सम अश्योर तो तब मेरे को मिलेगा जब किसी पार्टनर की डेथ होगी या फिर पॉलिसी का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, बट सरेंडर वैल्यू तो मेरे को जब चाहे तब मिल जाएगी। तो ये बंदा बोलता है कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एसेट दिखाना चाहिए।
जैसे कि हम लोग अपने एफडी को एज एन एसेट दिखाते हैं। तो इस बंदे की बात को रिकॉग्नाइज करा गया, इसकी भी तारीफ करी गई और ये एक और मेथड बन के निकला कि व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो अब हम लोग इसको कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ये हमें समझने की कोशिश कर देंगे। तो जब हम लोग प्रीमियम पे करेंगे बच्चे, हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट कर देंगे जब कभी भी प्रीमियम पे करेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो बच्चे जब कभी भी हम लोग प्रीमियम पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैंने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड। हम लोगों ने यहां पे प्रीमियम पे कर दिया तो भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से हम लोग एक एसेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर बच्चे मेरे को एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को सरेंडर वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर सरेंडर वैल्यू मेरे प्रीमियम के अमाउंट के बराबर आती है तो बच्चे कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर मेरे सरेंडर जो वैल्यू है वो प्रीमियम के अमाउंट से कम आती है तो भाई मेरे को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो अपने सरेंडर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर दिया। कभी भी सरेंडर वैल्यू प्रीमियम के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है, सरेंडर वैल्यू जो है हमारी वो प्रीमियम के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है, वो या तो कम होगी या फिर प्रीमियम के अमाउंट के बराबर होगी। तो अगर बराबर है तो मेरे को कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द ईयर। बट जब मेरे को एट द एंड ऑफ द ईयर सरेंडर वैल्यू मिलेगी और अगर सरेंडर वैल्यू का जो अमाउंट है वो प्रीमियम के अमाउंट से कम है तो जो भी डिफरेंस निकल के आएगा बुक वैल्यू में और सरेंडर वैल्यू में वो मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो बच्चे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कंसंट्रेट करके मेरे को सुनना, ठीक है जी। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू मैं यहां पे लिख दूंगा। जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू आ रहा होगा वो बच्चे मैं पीएल अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर दूंगा। तो ये एंट्री मैं कब करूंगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये भी मैं एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहा हूं। तो बच्चे हम लोगों ने यहां पे क्या करा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एसेट दिखाया और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अब जाके सरेंडर वैल्यू पे मेरे बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएगी। तो ये तो बच्चे हो गया कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मैंने प्रीमियम पे करा और उसे अपने एज एन एसेट रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बच्चे समझने की कोशिश करो, जो सी है वो मेरे फर्म से रिटायर हो रहे हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सरेंडर करेंगे तो मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी। हम लोग रिटायरमेंट का केस बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर हम लोग सरेंडर करेंगे तो मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी। तो सरेंडर वैल्यू अगर मेरे को रिसीव होगी तो मैं यहां पे क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम लोग पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो बच्चे मेरे को पैसा मिलेगा तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे को क्या रिसीव होगा, सरेंडर वैल्यू रिसीव होगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अगर हम लोग पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। मैंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट ओपन करा था तो जो भी अमाउंट रिसीव हुआ बच्चे हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और मैंने यहां पे क्या लिखा, सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड, सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड। तो बच्चे मेरे को यहां पे सरेंडर वैल्यू रिसीव हो गई है। तो अगर मेरी सरेंडर वैल्यू जो है, सरेंडर वैल्यू अगर मेरे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में एसेट जो आ रहा था, मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो अकाउंट हम लोग एसेट साइड पे दिखा रहे थे,
अगर सरेंडर वैल्यू उससे ज्यादा रिसीव हो रही है तो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वरना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहां पे समझने की कोशिश करना बच्चे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट समझने की कोशिश करना। ये मैंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट बना रखा होगा क्योंकि हम लोग इसे एज एन एसेट ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट है मेरे बुक्स में, तो मैंने यहां पे डेबिट करा होगा कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को हम लोग अपने सरेंडर वैल्यू पे दिखा रहे हैं। तो हर साल जो होता है बच्चे, हर साल हमारी सरेंडर वैल्यू जो है वो चेंज होती है, हर साल हम लोग प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, तो हर साल एवरी ईयर हमारी जो सरेंडर वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो मान लेते हैं कि भाई हमारा जो बिगनिंग ऑफ द ईयर सरेंडर वैल्यू आ रही थी 50,000 रुपीज, बट जो हमारे सी हैं वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारे सी हैं वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और तब हो सकता है कि भाई सरेंडर वैल्यू 60,000 रुपीज हो गई हो, हम लोगों ने प्रीमियम पे कराओ और सरेंडर वैल्यू 60,000 रुपीज हो गई हो, बट हमारी बुक्स में अपीयर कितना हो रहा है 50,000 रुपए। तो जो भी ये 10,000 रुपए का एक्सेस रिसीव हुआ है, हम लोगों ने क्या एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो मैंने यहां पे क्या लिखा 60,000 रुपीज। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है 10,000 रुपए का, वो हम लोग अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बच्चे मेरे को यहां पे 50,000 रुपीज ही रिसीव होता, मान लेते हैं कि अगर मेरे को 50,000 रुपए ही रिसीव होता, तो 50,000 डेबिट हुआ है, 50,000 क्रेडिट हुआ है, तो बच्चे हम लोग अपने पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम लोग अपने पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग हमेशा सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में, और 50,000 रुपए अगर मैंने प्रीमियम पे करा है और मेरी 50,000 की सरेंडर वैल्यू है, और मेरे को रिसीव भी कितना हो रहा है 50,000 रुपए ही हो रहा है, मेरे एसेट साइड में 50,000 रुपीज सरेंडर वैल्यू आ रही है और मेरे को रिसीव भी 50,000 रुपीज ही हो रहा है, तो भाई मेरा यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो मैं अपने पार्टनर्स में कोई अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बट अगर मेरा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो अकाउंट है उसमें 50,000 रुपीज डेबिट है और मेरे को रिसीव 60,000 रुपीज हो रहा है, अगर मेरे को रिसीव 60,000 रुपीज हो रहा है, तो भाई जो ये 10,000 रुपए का मेरा गेन है, मेरा प्रॉफिट है, वो हम लोग किसको ट्रांसफर करेंगे, अपने पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसकी आप लोग एंट्री लिख लीजिएगा, अगर गेन निकल के आता है, अगर गेन निकल के आता है, कोई क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है, तो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर लिखना, मेरे पास यहां पर जगह नहीं बची है, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर, इन देयर ओल्ड पीएसआर। ठीक है जी, तो ये बच्चे मेरा सेकंड मेथड था, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट। तो चलो एक बार फटाफट से देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने लिखा, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, और व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, एंड व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट। तो बच्चे हम लोग रिटायरमेंट के केस में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जो पॉलिसी हम लोग ले लेते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग लेते हैं, कंबाइंड पार्ट मतलब कंबाइंड पॉलिसी ले लेते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, एक ही पॉलिसी मैं अपने तीनों पार्टनर्स के लिए ले रहा हूं, तो उसको मैं बोलता हूं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसका नाम ही क्या लग गया, ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब क्या हो गया, हम लोग मल्टीपल पार्टनर्स की सिंगल पॉलिसी ले रहे हैं। तो हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो रिटायरमेंट के केस में बच्चे हमें पता है कि हमेशा हमें क्या कंसिडर करना है, सरेंडर वैल्यू कंसिडर करना है। तो सबसे पहले एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई अगर हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम कहां से पे हो रहा है, एक तो फर्म से पे हो रहा है, अगर फर्म प्रीमियम पे कर रही है तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये बंदा क्या बोलता था कि प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, प्रीमियम हमने दिखाया और एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या करा, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हमने यहां पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी जब कभी मेरा पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा। फिर बच्चे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट हम लोग अपने पार्टनर्स में इन द ओल्ड पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे समझने की कोशिश करना, हम लोगों ने प्रीमियम पूरा राइट ऑफ कर दिया था, एक्सपेंस दिखा दिया था, तो अब मेरे को जो अमाउंट मिलेगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से रेवेन्यू हो जाएगा। बट बच्चे इस वाले केस में जब हम लोगों ने प्रीमियम को ट्रीट करा एज एन एसेट, तो जेएलपी इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो अगर हम लोग एसेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एट सरेंडर वैल्यू अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं।
तो मेरी जो सरेंडर वैल्यू है, और अगर उसमें सरेंडर वैल्यू में और बुक वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो वो हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर बच्चे जब कभी भी हम लोग पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो बच्चे अगर मैं अपना एसेट रिकॉग्नाइज कर रहा हूं तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एसेट को खत्म ही तो कर रहा हूं, मेरे को पैसा मिल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, अपने एसेट को खत्म कर रहा हूं। तो अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं कोई भी एसेट को परचेज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा होगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी तो हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोगों ने एसेट ट्रीट करा। अगर हम लोग अपने एसेट को सेल करते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो जो भी मेरे एसेट के सेल में प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते थे, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अब यहां पे समझने की कोशिश करना, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग सरेंडर कर रहे हैं तो अगर मेरे को 10,000 रुपए का, समझने की कोशिश करना, अगर मेरी प्लांट एंड मशीनरी 10,000 की है और मैंने 10,000 की सेल कर दी तो ना ही मेरा प्रॉफिट हुआ ना ही मेरा लॉस हुआ, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कुछ करूंगा नहीं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर नहीं जाऊंगा। बट अगर मैंने 10,000 का प्लांट 12,000 रुपए में सेल करा तो 2,000 का प्रॉफिट हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। सिमिलरली हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है अगर हम लोगों ने उसे एज एन एसेट ट्रीट कर रखा है, मतलब 10,000 रुपए का अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे करा है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेरे बैलेंस शीट में 10,000 रुपए पे आ रही होगी। तो अगर मेरे को 10,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं तो मेरा कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो हम लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स में। बट बच्चे अगर 10,000 रुपए का एसेट आ रहा है और मेरे को 12,000 रुपए मिल रहा है तो जो ये 2,000 रुपए का गेन है वो हम लोग अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो मेरे ख्याल से बच्चे आपको सेकेंड मेथड भी अब समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। तो चलो अब हम लोग थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड मेथड में जो हमारा ये तीसरा बंदा है वो एक अपनी अप्रोच लेकर आया, जो ये तीसरा बंदा है उसने अपनी अप्रोच बताई कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो बच्चे वो हम लोग पार्टनर्स का पे कर रहे हैं, अगर हम लोग पार्टनर्स के लिए कोई भी एक्सपेंस इनकर करते हैं, मेरा अगर पार्टनरशिप फर्म जो है, मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है अगर वो पार्टनर के लिए कोई भी एक्सपेंस इनकर करेगी तो भाई हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ी ना लेकर जा सकते हैं वो एक्सपेंस। पार्टनर के लिए अगर एक्सपेंस हो रहा है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाना चाहिए। तो ये बंदा भी भाई सही बोल रहा है कि अगर हम लोग पार्टनर्स के लिए कोई एक एक्सपेंस इनकर करते हैं तो भाई वो पार्टनर का एक्सपेंस हो, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ये बंदा क्या बोलता है कि अगर हम लोग पार्टनर के लिए कोई एक्सपेंस इनकर करते हैं, पार्टनर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो भाई ये पार्टनर का एक्सपेंस है, ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो इस बंदे की भी बात भी बिल्कुल सही मानी गई कि भाई जो एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर कर रहे हैं वो पार्टनर के लिए इनकर कर रहे हैं, वो हम लोग अपने बिजनेस के पर्पस के लिए थोड़ी ना इनकर कर रहे हैं, तो हम लोग उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नहीं ले जा सकते। तो हम लोग कहां पे लेकर जाएंगे भाई, उस एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे और पार्टनर्स के नाम पे अप्रोप्रिएट कर देंगे। तो इस बंदे की बात भी भाई मानी गई कि ये बंदा जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये जो एक्सपेंस हम लोग इनकर कर रहे हैं वो अपने पार्टनर्स के लिए इनकर कर रहे हैं और पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी अप्रोप्रिएशन होते हैं वो हमें कहां पे ट्रांसफर करने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। तो बच्चे इसकी भी बात को रिकॉग्नाइज करा गया और अब हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम के अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू अप्रोप्रिएट करेंगे। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें कैसे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, तो मेरे साथ यहां पे लिखना व्हेन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व is to be created। तो ये मेरा थर्ड मेथड होता है, when joint life policy reserve is to be created। इसको हम लोग बोलते क्या है बच्चे, एक और नाम से बोलते हैं joint life policy reserve method, joint life policy reserve method, joint life policy reserve method। तो बच्चे मेरा ये बंदा क्या बोल रहा है
कि भाई आप लोग क्या करो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एसेट तो रिकॉग्नाइज करो, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूं। बट जो आप लोग ये एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू जो आप लोग राइट ऑफ कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, बचे ये बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन है। तो ये हम लोग पार्टनर्स के जो रिजर्व क्रिएट करेंगे, जो रिजर्व हम लोग पार्टनर का क्रिएट करेंगे, उससे राइट ऑफ करेंगे। तो सर अभी हमें समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो। तो चलो बच्चे मेरे साथ पहले आप लोग क्या करो, अकाउंटिंग एंट्री लिखो, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो बस मेरे साथ अकाउंटिंग एंट्री लिखते जाओ और बात को समझते जाओ, ठीक है जी। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीमियम पे करा होगा, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एसेट दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चे हम लोगों ने प्रीमियम पे करा होगा, तो प्रीमियम को एज एन एसेट रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि मैं अपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एसेट रिकॉर्ड करूंगा एट द सरेंडर वैल्यू। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मैंने यहां पे ब्रैकेट में क्या लिख दिया, प्रीमियम पेड, हम लोगों ने यहां पे प्रीमियम पे कर दिया। तो बच्चे हमारा जो ये बंदा है, जो हमारा ये थर्ड पर्सन है, ये क्या बोलता है कि भाई जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो हम लोग पार्टनर्स की क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, एक अप्रोप्रिएशन हो गया। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करना चाहिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के लिए, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, पार्टनर्स का खर्चा है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू इस एक्सपेंस को बुक करना चाहिए, मतलब पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट कर देना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने लिखा है, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, बच्चे मैं एक रिजर्व क्रिएट कर दूंगा पार्टनर्स के लिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, कि भाई हम लोग प्रॉफिट्स का एक हिस्सा निकाल के रख दे रहे हैं पार्टनर्स के लिए जो उन लोगों ने अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है। तो मैं अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अलग कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो बच्चे यहां पे हम लोग कितना अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्या मेरे को कोई बता सकता है, मेरे को क्या कोई बता सकता है कि रिजर्व में हम लोग कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो बच्चे जितना भी हम लोगों ने प्रीमियम पे करा होगा उतना ही अमाउंट हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रीमियम पेड विल बी ट्रांसफर्ड टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो जितना भी हम लोगों ने प्रीमियम पे कर रखा होगा बच्चे उतना ही हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये बच्चे मेरी हो गई प्रीमियम पे करने की एंट्री, और मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चे प्रीमियम पेड के बराबर का जो अमाउंट है वो हम लोगों ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जितना भी हम लोगों ने प्रीमियम पे कर रखा है बच्चे, हम लोग उतना ही अमाउंट ट्रांसफर कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर बच्चे हम लोग अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या करेंगे भाई, अकाउंटिंग ईयर के एंड में मेरे को सरेंडर वैल्यू का पता चलेगा। तो सरेंडर वैल्यू अगर मेरी कम है बुक वैल्यू से, बच्चे अगर मेरी सरेंडर वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से कम है, तो मेरे को फिर से ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट अभी तक हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कर रहे थे, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। तो बच्चे मेरे को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को डिक्रीज करना है, अब समझने की कोशिश करना, मैं थोड़े से नंबर्स ले लेता हूं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। समझने की कोशिश करना कि मैंने ₹100 का प्रीमियम पे करा, तो मैंने क्या एंट्री करी होगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही मैंने एंट्री करी होगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा होगा, ₹100। फिर बच्चे मेरे को इक्वल अमाउंट ट्रांसफर कहां से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैंने यहां पे डेबिट करा, और मैं कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं,
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 100 रुपए जो हम लोगों ने प्रीमियम पे करा था उतना ही अमाउंट हम लोगों ने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से मैंने अप्रोप्रिएट कर दिया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के नाम से, कि भाई पार्टनर्स ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करा रखी है तो इसका पेमेंट हम लोग अप्रोप्रिएट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, क्योंकि ये पार्टनर का एक्सपेंस है, इसको हम लोग पीएल में लेकर नहीं जा सकते। अब समझने की कोशिश करना, ईयर एंड पे मेरे को सरेंडर वैल्यू पता चलती है, तो मान लेते हैं कि भाई प्रीमियम मैंने 100 रुपए पे करा है और सरेंडर वैल्यू अब मेरी 90 रुपीज आ रही है, तो भाई मेरे को 10 रुपए राइट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस करा है कि मैं अपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे दिखा सकता हूं अपने बैलेंस शीट में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सरेंडर वैल्यू पे दिखा सकता हूं बैलेंस शीट पे, तो मेरे को यहां पे 10 रुपए क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने के लिए समझने की कोशिश करना कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को मैं 10 रुपए से डिक्रीज कर रहा हूं, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा। बट बच्चे जो मेरा सेकंड मेथड था उसमें मैंने यहां पे देखो क्या करा है, मैंने यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करा है, बट यहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज नहीं कर सकते अपने थर्ड मेथड के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे यहां पे 10 रुपीज से। 10 रुपीज से हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। तो हमेशा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का अमाउंट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का अमाउंट इक्वल होगा, इन दोनों अकाउंट का जो अमाउंट होगा वो बच्चे क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों साथ में पैरेलल चलेंगे और इन दोनों के जो अकाउंट्स होंगे उनका जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बैलेंस विल बी ऑलवेज इक्वल। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चे अब हमें क्या करना है भाई, जो भी डिफरेंस निकल के आ रहा होगा बुक वैल्यू में और सरेंडर वैल्यू में वो हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ हम लोग कहां से करेंगे, जेएलपी रिजर्व से करेंगे। तो जेएलपी रिजर्व को हम लोग 10 रुपए से डेबिट कर रहे हैं और जेएलपी को क्रेडिट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखोगे जेएलपी रिजर्व की अब कितने अमाउंट की, जेएलपी रिजर्व का बैलेंस क्या बचेगा भाई, 100 रुपए क्रेडिट था, 10 रुपए डेबिट है, तो जेएलपी रिजर्व मेरा आ रहा होगा 90 रुपीज का। जेएलपी अकाउंट कितना आ जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा भाई, 100 रुपए से डेबिट है और 10 रुपए से क्रेडिट है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 रुपीज आ जाएगा। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो अकाउंट है वो हम लोग एसेट साइड पे दिखा देंगे और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट हम लोग कहां पे दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। ठीक है जी, तो चलो हम लोग अपने चार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि भाई जब मेरे को राइट ऑफ करना होगा डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट का यूज करूंगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा, जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। और बच्चे हमेशा जेएलपी रिजर्व और जेएलपी का अमाउंट जो है वो इक्वल होगा, मतलब जेएलपी रिजर्व और जेएलपी अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आ रहा होगा वो हमेशा इक्वल निकल के आएगा। तो यहां पे बच्चे हम लोगों ने क्या करा, ईयर एंड में जेएलपी की जो बुक वैल्यू आ रही है और सरेंडर वैल्यू आ रही है, तो जो भी उसमें डिफरेंस है वो हमने कहां पे ट्रांसफर करा, जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर करा। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं, सी जो है यहां पे फर्म को छोड़ के जा रहे हैं। तो बच्चे यहां पे जो मेरे पार्टनर है सी, वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं, फर्म से रिटायर हो रहे हैं, तो मेरे को यहां पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो मेरे को क्या रिसीव होगा, सरेंडर वैल्यू रिसीव होगा। तो मैं यहां पे क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। हम लोग यहां पे सरेंडर करेंगे अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को। तो बच्चे सी फर्म छोड़ के जा रहे, मेरे को पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा, तो मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है जी,
तो मेरे को यहां पे सरेंडर वैल्यू रिसीव हो गई होगी, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड, सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड, सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड। तो बच्चे यहां पे मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव हो जाएगी। हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करेंगे इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो जो भी मेरा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का बैलेंस होगा वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में। तो मेरे पास यहां पे जगह नहीं बची है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो बच्चे यहां पे हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे, वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में। फिर बच्चे जो भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस होगा वो हम लोग अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, जेएलपी अकाउंट डेबिट, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जेएलपी रिजर्व का अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे, जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जेएलपी अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सर आपने क्या करा, थोड़ा सा अब आप हमें समझा भी दीजिए। तो बच्चे ये मैं अपने एग्जाम्पल को कॉन्टिन्यू करता हूं कि भाई मैंने 100 रुपए का प्रीमियम पे करा, तो भाई 100 रुपए मैंने अप्रोप्रिएट कर दिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में। फिर मेरे को सरेंडर वैल्यू 90 रुपीज की पता चली, तो मैंने 10 रुपए राइट ऑफ कर दिया जेएलपी अकाउंट से, और जेएलपी रिजर्व अकाउंट के थ्रू मैंने राइट ऑफ करे। तो मेरा यहाँ पे जेएलपी रिजर्व का बैलेंस आ रहा है 90, जेएलपी का अमाउंट आ रहा है कितना 90। तो ये दोनों का अमाउंट जो है वो हमेशा इक्वल आएगा। अब अच्छा यहाँ पे मेरे जो पार्टनर है सी, वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं, सी जो है वो फर्म छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग सरेंडर करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि भाई जब हम लोग सरेंडर करने गए तो मेरे को 110 रुपीज रिसीव हुए, तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 110 रुपीज। 110 रुपीज मैंने यहां पे क्या करा, डेबिट करा बैंक अकाउंट में और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि भाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का जो भी बैलेंस आएगा वो आप लोग कहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जेएलपी रिजर्व अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, वो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे, जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने कितना ट्रांसफर कर दिया, 90 रुपीज। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करना। अब जेएलपी का अगर आप लोग अकाउंट बनाएंगे, अगर आप लोग जेएलपी का अकाउंट बनाएंगे, तो मैं यहां पे जेएलपी का अकाउंट बना के दिखाता हूं। जेएलपी का अगर आप लोग अकाउंट बनाएंगे तो भाई जेएलपी के अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था 90 रुपीज। ये मेरा क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, ये मेरा क्या था, ओपनिंग बैलेंस था। बच्चे फिर हमें 110 रुपए रिसीव हुए, तो वो मैंने यहां पे लिखा। फिर हम लोगों ने 90 रुपीज जेएलपी रिजर्व अकाउंट से ट्रांसफर करे, तो यहां पे कितना आ गया, 200। और बच्चे डेबिट का कितना है, 90 रुपीज है, तो मैं 110 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अपने ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सर हम लोगों ने क्यों करा, 110 को हम लोगों ने क्यों डिस्ट्रीब्यूट करा। बच्चे 110 जो मेरे को रिसीव हुआ है वो मैंने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब समझने की कोशिश करना बच्चे, 90 रुपीज का मैंने एसेट रिकॉग्नाइज करा था, तो 90 रुपीज का मैंने रिजर्व क्रिएट करा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो हम लोगों ने एक तरीके से पार्टनर्स का एक्सपेंसिव तो बुक करा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू 90 रुपीज का। तो अगर हम लोग एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसके खर्चे को भी तो हम लोगों ने एक तरीके से रिकॉग्नाइज करा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। बच्चे हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते थे तब भी हम लोग एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, और अगर हम लोग 90 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, भले ही जेएलपी रिजर्व के नाम से कर रहे हैं, बट एक तरीके से हम लोगों ने एक्सपेंस का अप्रोप्रिएशन ही तो करा है। तो 90 डेबिट है, 90 क्रेडिट है।
तो ये अल्टीमेटली सेट ऑफ होके क्या हो गया, जीरो हो गया। अब अच्छा, जो भी मेरे को 110 रुपए रिसीव होंगे वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए एक तरीके का गेन होगा, वो हम लोग अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो इसी की मैंने आपको एंट्री लिखाई है कि भाई जो भी हमें अमाउंट रिसीव होगा, जो भी हमें अमाउंट रिसीव होगा वो हम अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, सॉरी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, 110। तो मेरे तीन पार्टनर्स हैं, उन तीनों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन देयर ओल्ड पीएसआर, इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो ये बच्चे ट्रीटमेंट होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो हम लोगों ने तीन मेथड्स पढ़े, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड इज यूज। तो हम लोगों को ये तीन तरीके से अकाउंटिंग आनी चाहिए इन केस ऑफ रिटायरमेंट। बच्चे सिमिलरली हम लोग तीनों केसेस पढ़ेंगे इन केस ऑफ डेथ। तो रिटायरमेंट मैंने आपको अभी इतना करा दिया, तो मैं अभी पहले एक आपको एग्जांपल कराना चाहता हूँ रिटायरमेंट का, जिससे कि आप लोगों को चीजें और क्लियर हो जाएं। तो मेरे साथ एक एग्जांपल छोटा सा नोट करिएगा, जिससे कि हम लोग ये तीनों ही मेथड्स कवर कर लें उस एग्जाम्पल में। तो एक बार क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर रिटायरमेंट समझ में आ गया तो बच्चे डेथ में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिटायरमेंट में मेरे को इतना टाइम डिवोट करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हो और तीनों मेथड्स में तीनों ही बंदे अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो तीनों ही बंदे की बातों को रिकॉग्नाइज करा गया, तो तीनों बंदों की जो बातें हैं वो हमें समझनी है, हमें उसकी अकाउंटिंग सीखनी है, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक मेथड से आपसे करवाया जा सकता है एग्जाम में। तो ये तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट का केस है, फिर हमें डेथ में आना है, फिर हमें इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी के बारे में भी पढ़ना है। तो रिटायरमेंट के केस में मेरे को ये पता है कि भाई हमेशा सरेंडर वैल्यू कंसिडर करनी है। तो चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल नोट डाउन करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं। तो बच्चे मैंने यहां पे क्या लिखा कि भाई ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1, ठीक है जी। ये लोग जो हैं वो बच्चे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेकर बैठे हैं, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो है बच्चे ₹20 लाख, ठीक है जी। और ये लोग हर साल प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं ये लोग हर साल ₹50,000 का, ₹50,000 का ये लोग हर साल प्रीमियम पे करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले तो मेरे को यहां पे एक तो भाई प्रीमियम की एंट्री पास करके दिखानी है तीनों ही मेथड्स में। तो एक चीज तो ये हो गई रिक्वायर्ड, क्या क्या कि भाई प्रीमियम की एंट्री पास करो तीनों मेथड्स के अंदर, प्रीमियम एंट्री अंडर ऑल द थ्री मेथड्स, ठीक है जी, अंडर ऑल द थ्री मेथड्स मेरे को प्रीमियम की एंट्री पास करनी है अंडर ऑल द थ्री मेथड्स। फिर बच्चे यहां पे जो सी है मेरे वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं, तो हमें अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ रही है, और सरेंडर वैल्यू जो हमारे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की आ रही है वो बच्चे सरेंडर वैल्यू मेरी आ रही है ₹2 लाख, ठीक है जी। तो ये मेरे को तीनों मेथड्स के अंदर रिकॉग्नाइज करना है, ये मेरे को तीनों मेथड्स के अंदर रिकॉग्नाइज करना है। तो सबसे पहले हमें एक प्रीमियम की एंट्री पास कर देनी है, हम लोग कैसे प्रीमियम की एंट्री पास करते हैं, फिर हमें क्या करना है भाई सरेंडर वैल्यू पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो मैं तीनों मेथड्स के अंदर अकाउंटिंग करने जा रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं तीनों की साथ में लेकर चलता हूं, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड। तो फर्स्ट मेथड के अंदर
हम लोग प्रीमियम को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम, ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैंने प्रीमियम कितने का पे करा होगा, 50,000 रुपीज का। और बच्चे प्रीमियम को हम लोगों ने कहां पे ट्रांसफर करा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा होगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 50,000 रुपीज। तो ये तो बच्चे हो गई प्रीमियम की एंट्री। अब मेरे को इसमें क्या करना है बच्चे, मेरे को अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करनी है। तो मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो मेरे को सरेंडर वैल्यू 2 लाख रुपीज की रिसीव हो रही होगी। फिर बच्चे जो भी मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव हुई है वो मैं अपने पार्टनर्स में क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो एंट्री नंबर डी, एंट्री नंबर डी में क्या करूंगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मेरे को अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 2 लाख रुपीज रिसीव हुआ है। ये मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो ओल्ड पीएसआर क्या है, 2:1:1। तो अगर ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए को मिलेगा 1 लाख, बी को मिलेगा 50,000 और सी को कितना मिलेगा, 50,000 रुपीज। तो ये बच्चे एंट्री हो गई फर्स्ट मेथड के अंदर। अब हम लोग आते हैं सेकेंड मेथड के अंदर। तो सेकेंड मेथड में बच्चे हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एसेट ट्रीट करता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया ये, 50,000 रुपीज। फिर बच्चे एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अमाउंट में जो भी बुक वैल्यू है और जो सरेंडर वैल्यू है, जो भी उसमें डिफरेंस होगा, वो हम लोग कहां से राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं। तो यहां पे मेरे को एट द एंड ऑफ द ईयर सरेंडर वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई सरेंडर वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, तो हम लोग उसकी एंट्री नहीं करते। फिर बच्चे मैंने अपनी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर करी होगी सी के रिटायरमेंट में, तो मैंने यहां पे क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपीस। तो मैं यहां पे ये अज्यूम करता हूं कि भाई जब कभी भी मैंने पॉलिसी सरेंडर करी है तब मेरी बुक वैल्यू क्या होगी, 2 लाख रुपीस ही होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई सरेंडर करते टाइम बुक वैल्यू कितनी है। ये बच्चे एक अलग ट्रांजेक्शन है, ये अलग ट्रांजेक्शन है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि भाई 50,000 रुपए की आ रही थी मेरे को 2 लाख रुपए मिल रहे। तो बच्चे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई 50,000 का प्रीमियम पे करके आपको सरेंडर वैल्यू 2 लाख रुपए मिल जाए। तो बुक वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं कि बुक वैल्यू यहां पे है 2 लाख रुपीज, ठीक है जी। तो मेरे को यहां पे 2 लाख रुपीज रिसीव हुआ और मेरी बुक वैल्यू भी क्या है, 2 लाख रुपीज है। तो भाई 2 लाख रुपए मैंने प्रीमियम पे करा, 2 लाख रुपए मेरे को रिसीव हो गया, तो मेरा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट यहां पे खत्म हो गया। तो हम लोग कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर मेरे को यहां पे 2,10,000 रुपए रिसीव हो रहा होता तो भाई 10,000 रुपए मैं अपने पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड पीएसआर डिस्ट्रीब्यूट कर देता। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड मेथड में। तो थर्ड मेथड में फिर से हम लोग सेम एंट्री करेंगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज। फिर बच्चे जितना प्रीमियम हमने पे कर रखा है उतना हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो मैंने यहां पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट 50,000 रुपीज, ठीक है जी, 50,000 रुपीज। तो मेरे पास यहां पे जगह कम है तो मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं थोड़ा सा जूम भी बढ़ा देता हूं 2 सेकंड के लिए, फटाफट से आप लोग देख लो, आप लोग नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है जी। तो हम लोगों ने यहां पे रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब बच्चे रिजर्व क्रिएट करने के बाद मेरे को
अमाउंट रिसीव हुआ होगा, तो हम लोगों ने पॉलिसी सरेंडर करी है, तो मेरे को सरेंडर वैल्यू रिसीव हो रखी होगी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, तो सरेंडर वैल्यू मेरे को रिसीव हुई होगी 2 लाख रुपीज की। और बच्चे यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को ट्रांसफर कहां पे कर देंगे, जेएलपी रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, जेएलपी, तो कितना अमाउंट था, 2 लाख रुपीज था, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 लाख रुपीज, और बचे 2 लाख रुपीज, ठीक है जी। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के अमाउंट को मैंने कहां पे ट्रांसफर करा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर करा, और मैंने यहां पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो बैलेंस बच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 2A, 2B, 2C, तो इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल अकाउंट, तो 2 लाख रुपीज बचे बचेगा जो हम लोग 2:1:1 के रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज, और बचे 50,000 रुपीज। तो ये मेरे 3 मेथड्स थे रिटायरमेंट के केस में। अब हम लोग चलते हैं अपने डेथ के केस में, तो डेथ के केस में भी बच्चे मेरे 3 मेथड्स हैं, और ये सेम मेथड्स के अंदर मेरे को अकाउंटिंग सीखनी है। तो अभी आप लोग क्या करिए, एक ब्रेक ले लीजिए 10-15 मिनट का, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार फिर से ब्रेक के बीच में थोड़ा सा इस टॉपिक को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग ब्रेक के बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ शुरू करते हैं, और डेथ के केस में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने रिटायरमेंट में इतना टाइम डिवोट कर दिया। तो डेथ के केस में भी बच्चे यही 3 मेथड्स होंगे, जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट, या फिर हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों केसेस में मेरे को सीखना है डेथ के अंदर, कि डेथ के अंदर में हम लोग कैसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग ब्रेक के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो लो आप लोग, चाय कॉफी पी लो, ठीक है जी। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं।